गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू रा इंटरनेशनल स्कूल टुडे द चैप्टर फॉर क्लास एट चैप्टर टू यूरोपियन पावर इन इंडिया एंड टुडे वी हैव टॉपिक्स टू डिस्कस ट्री ऑफ अलाहाबाद एंड डुअल सिस्टम फ्रॉम द पेज नंबर ट्वेंटी टू आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास एट के लिए है चैप्टर टू यूरोपियन पावर इन इंडिया और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे इलाहाबाद की संधि और डुअल सिस्टम है ना मतलब किस तरीके से शासन को दो भागों में बांटा गया इस बारे में आज हम बात करेंगे सो टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ द यूरोपियन पावर इंडिया स्प्रेड मतलब किस तरीके से यूरोपियन पावर पूरे इंडिया के अंदर स्प्रेड हुई नाउ लुक एट द फर्स्ट टॉपिक द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद लुक एट पेज नंबर ट्वेंटी टू द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस about the topic what is the meaning of treaty of Allahabad and what is the main aim of treaty of Allahabad so look at the topic of uh, treaty of Allahabad the treaty of Allahabad Robert Clive entered into the treaty with Nawab Shujaud Dola by this treaty the Nawab surrendered Allahabad and Kara to the company and also agreed to pay the 50 lakh rupees as per, as per war and the compensations Robert Clive signed the Treaty of Allahabad on 12 August 1765 The Treaty of Allahabad was signed on the date of 12 August 1765 the, with the Mughal Emperor Shah Alam II by this treaty Mughal Emperor was taken under the company's protection and was granted the annual pension of 26 lakhs rupees in return in the farman विच ग्रांटेड द कंपनी दिवानी ऑफ बंगल बिहार उड़ीसा एंड दर्पेयर क्यूनिटीज़ अब देखिए हम uh, ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बारे में जानते हैं uh, जान जानने की कोशिश करेंगे जो कि uh, 12 अगस्त सेवनटीन सिक्सटी फाइव में हुई अब ये ट्रीटी थी, थी, थी क्या देखिए uh, बाई दिस ट्रीटी द नवाब सरेंडर अलाहाबाद एंड कारा टू कंपनी मतलब जितने भी नवाब थे उन्होंने वॉर के बाद जो बैटल ऑफ बक्सर थी जो uh, बैटल ऑफ पलासी थी उसके बाद उन्होंने नवाब ने क्या किया जो नवाब पूरे तरीके से हार गए और उन्होंने अपनी जो पावर थी वो ब्रिटिश को पूरी तरीके से सरेंडर कर दी अब ये जो ट्रीटी थी वो किसने कराई रॉबर्ट लाइव ने और ये कब हुई ट्वेल्फ अगस्त सेवनटीन सिक्सटी फाइव ठीक है अब इसमें जितने भी नवाब थे उन्होंने क्या वादा किया द कंपनी ऑल्सो एग्रीड टू पे द फिफ्टी लाख रुपीज एज वॉर कंपेंसेशन अब यहाँ पे जो कंपनी को पचास लाख रुपए मतलब दो वॉर के मतलब पचास लाख रुपए मतलब आ, जो दोनों जो वॉर हुई थी उस पर जो जो खर्चा हुआ था उसका एज ए फाइन दिया गया ठीक है रॉबर्ट लाइक द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ऑन ट्वेल्थ अगस्त विद द मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड और ये ट्रीटी किसके साथ हुई शाह आलम सेकंड के साथ बाई दिस ट्रीटी मुगल एम्पायर वॉज ट्री के अंदर द कंपनीज प्रोडक्शन एंड वॉज ग्रांटेड द एनुअल पेंशन ऑफ ट्वेंटी फरमान अब यहां पे क्या था मुगल एम्पायर क्या हो गया वॉज टेकन अंडर द कंपनीज प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर अब कंपनी के प्रोडक्शन में मुगल एम्पायर हो गए कि मुगल एम्पायर अब जो भी काम करेंगे वो कंपनी के अंडर में आके करेंगे द डिसीजन कैन बी टेकन बाय द फाइनल डिसीजन कैन बी टेकन बाय द कंपनीज मतलब अब यहाँ पे जो नवाब हैं जो मुगल हैं जितने भी यहाँ पे एम्पायर हैं वो अपना फाइनल डिसीज़न ही लेंगे द फाइनल डिसीजन वॉर टेकन बाय द ब्रिटिश है ना और उसके बाद जो ये मुगल एम्पायर होंगे जितने भी नवाब होंगे ये ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीज़ का जो एक मतलब जो मतलब एक जो हर साल का जो एक इनको रिटर्न भरना होगा ये ब्रिटिश को देंगे तो ब्रिटिश ने जो दो वॉर हुई थी बैटल ऑफ प्लासियन बैटल ऑफ बक्सर उस पर पचास लाख रुपए तो उस टाइम पे सेवनटीन सिक्सटी फाइव में फिफ्टी लाख मतलब ये करोड़ों रुपए में हो गया ये अमाउंट करोड़ों रुपए की चली गई ठीक है अब उन्होंने क्या किया नवाब पे और जितने भी एम्पेयर थे उनकी पावर को होल्ड करने के लिए उनके ऊपर ट्वेंटी सिक्स लाख रुपीस साल का उन्होंने एक फ़ाइन लगाया कि आपको ये हमें देने ही देने हैं अब इन्होंने ये कहाँ कहाँ से वसूलने शुरू किए दीवानी ऑफ बंगाल बिहार और उड़ीसा द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद मार्क द एंड ऑफ नवाब अथॉरिटीज इन बेंगॉल लेट दबलिशमेंट फॉर द डूअल गवर्नमेंट दियर बाई दिस सिस्ट ऑफ नवाब लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ ऑर्डर वेर आज द कंपनी कैप्टन इन ओन हैंड द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवन्यू अब अलाहाबाद की ट्रिटी ने क्या कर दिया जितने भी नवाब थे उनकी पावर का एंड कर दिया क्या कर दिया जितने भी नवाब थे उनकी पावर का यहाँ पर एंड होना शुरू हो गया जितने भी नवाब थे उनकी पावर का क्या हो गया यहाँ से पावर एंड हो गई भाई इस ट्रीटी से नवाब की जितनी भी पावर थी वो खत्म हो गई अब यहाँ पर जो सिस्टम शुरू होता है वो डुअल सिस्टम होता है अब डुअल सिस्टम क्या होता है देखिए डुअल सिस्टम मतलब ये जो सिस्टम था इसमें क्या था द डुअल सिस्टम स्टार्टेड इन 1765 सिक्सटी फाइव टू सेवनटीन सेवनटी टू मतलब सत्रह सौ पैंसठ से लेकर सत्रह सौ बहत्तर तक का जो एक टाइम पीरियड था वो डुअल सिस्टम का था अब ये डुअल सिस्टम था क्या डुअल सिस्टम था Uh, we have read the treaty of alabad the company got the right to collect revenue, control the army in Bengal, which include the Bihar and Odisha, but the Nawab was supposed to look after the welfare of the people. This system was called dual system. In this system, the Nawab and the Mughal emperor look after the welfare of the people and the, all the British collected the text. तो जितने भी नवाब थे जितने मुग़ल थे उनको बोल दिया कि आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटिव काम करिए लोगों का ध्यान रखिए और जो पैसा वसूलने का काम था जो मनी को जो कलेक्ट करने का काम था जो मनी जो कलेक्टिंग का जो काम था वो किसके हाथ में आ गया वो मनी कलेक्ट करने का काम था वो आ गया ब्रिटिश के हाथ में भाई जितना भी पैसा कलेक्ट होगा वो कौन करेगा वो ब्रिटिश करेगी और जितने भी मतलब लुक आफ्टर द वेलफेयर अब यहाँ पर जो लुक आफ्टर द वेलफेयर का मतलब मतलब आ, लोगों की भलाई के लिए आप काम करें तो लोगों की भलाई के लिए जो काम होंगे वो कैसे होंगे जब लोग नवाब के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो क्या करेंगे तो ब्रिटिश इन्जॉय ऑल पावर विदाउट द रिस्पांसिबिलिटीज एंड नवाब 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 मेक विदाउट द पावर तो यहाँ पे जो एक जो लाइन है ब्रिटिश इंजॉय ऑल द पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नवाब मेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज विदाउट द पावर तो डुअल सिस्टम में मेन चीज क्या था नवाब जो थे वो पूरी आ, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी लेकिन ऑन द अदर एंड ब्रिटिश क्या कर रहे थे सारी पावर का इंजॉय कर रहे थे बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ब्रिटिश सिर्फ पैसा वसूल कर रहे थे सिर्फ पैसे को कलेक्ट कर रहे थे है ना उनकी अपनी कोई रिस्पॉसिबिलिटी थी कि हमें सोसाइटी में क्या करना है क्या नहीं करना है अच्छे काम करने या नहीं करने ऑन द अदर हैंड जितने भी नवाब और मुग़ल थे वो क्या कर रहे थे वो मेक रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे लोगों के साथ कनेक्टिविटी connect, uh, बनाए हुए थे लेकिन उनके पास कोई पावर नहीं थी द फाइनल डिसीजन व टेकन बाई द ब्रिटिश नवाब एंड मुगल वॉर द मोस्ट पावरफुल रूरल बट द मोस्ट बस द आफ्टर द टू वॉर्स आफ्टर द डूअल सिस्टम ब्रिटिश बिकेम द मोस्ट पावरफुल एंड फाइनल डिसीजन वेकन बाय द ब्रिटिश सो डूअल सिस्टम में क्या था uh, जितने भी पैसा कलेक्ट करने का जो काम था जो मनी जो कलेक्ट की जाती थी वो ब्रिटिश के जरिए किया जाता था ऑल द मनी कलेक्टेड बाई द ब्रिटिश एंड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेड बाई द नवाब एन नवाब एन मुगल मतलब जितने भी नवाब थे मुगल थे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते उनके पास कोई पावर नहीं थी लेकिन जो ब्रिटिश थे वो इन्जॉय ऑल द पॉवर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो so, ये एक डुअल सिस्टम था सो so, आज हमने इस वीडियो में क्या समझा डुअल सिस्टम के बारे में और ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद के बारे में डुअल सिस्टम क्या था और अलाहाबाद की ट्रीटी क्या थी आई होप यू लाइक दिस वीडियो वी विल अपलोड सम मोर न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर टिले सेफ एंड गुड बाई